हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू freestudyforyou.com। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रोटेट टूल की और रिफ्लेक्ट टूल की, जो कि आपको यहां पर मिल जाते हैं। और रोटेट टूल का शॉर्टकट है R और रिफ्लेक्ट टूल का शॉर्टकट है O, तो आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ इस तरह से शेप बना करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। लाइक मैं यहाँ से आकर के एक लाइन सेगमेंट टूल ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग आते हैं रोटेट टूल पर। सबसे पहले रोटेट टूल देखते हैं। तो रोटेट टूल, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि शेप को रोटेट करने के लिए यूज होता है। अगर लाइक अगर मैं इसको पकड़ करके इस तरह से मूव करूं तो ये रोटेट हो रहा है। जैसे भी हम लोग करना चाहें इसको रोटेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉफिट होता है, वो क्या होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ लाइक, तो अभी आपको दिख नहीं रहा होगा। वैसे यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, इसको मैं उठा करके और बाहर लाता हूँ, अभी आपको दिख रहा होगा ये सेंटर पॉइंट। एक्चुअली ये जो रोटेट हो रहा है, इसी को मान करके रोटेट हो रहा है। अगर मैं इसको मूव करूं कहीं, तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट के थ्रू ये मूव हो रहा है, इसको सेंटर पॉइंट मानता है। अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूं लाइक हेयर, और अभी मैं अगर मूव करूं, तो अभी आप देखेंगे कि ये यहाँ से मूव हो रहा है। और अगर इसको मैं काफ़ी दूर कर दूँ और अभी मैं इसको मूव करता हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि इस तरह से ये मूव हो रहा है। तो रोटेट टूल आई थिंक आप समझ चुके होंगे। और इसमें एक दो चीज़ें और हैं बताने के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर ले आता हूँ, ओहो, सेंटर पॉइंट को पकड़ करके इधर रख देता हूँ, और इसे भी मैं बिल्कुल सीधा कर देते हैं, शिफ्ट के साथ कर देंगे, ओके। और इसको देखो, रोटेट तो हम लोग कर ही सकते हैं, और साथ ही साथ अगर इसकी चाहें तो कॉपी भी इसी टूल से कर सकते हैं। अगर लाइक मैं इसको इधर ले आता हूँ इतना, ठीक है, और अभी मैं क्या करता हूँ, अल्ट प्रेस कर देता हूँ और अभी मैं इसको रिलीज कर देता हूँ, तो अभी आप देख रहे होंगे कि इसकी यहाँ पर ये कॉपी भी आ चुकी है। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह से और भी आगे हो, तो कंट्रोल डी कर देंगे तो ये स्टेप को रिपीट करता जाएगा। अगर मैं जितना भी कंट्रोल डी करता जाऊँगा, लेकिन अभी अगर मैं आपको दिखा दूं तो मैं और ज़्यादा अगर इसको कर रहा हूं, तो ये इसके ऊपर ओवरलैप हो रही है। और अगर आप चाहते हैं कि ये ओवरलैप ना हो और यहां पर ये सही से शेप ड्रॉ हो, आप ऐसी वैल्यू लें जो 360 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि ये एक सर्किल बनाना है इसको, और सर्किल का जो रेडियस होती है वो 360 होती है। तो 360 से जो भी डिवाइड होती है वो संख्या आप लें, तो आप इसको बड़ी ईजिली बना पाएंगे। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ और अभी मैं इसको दिखाऊं, तो देखो इस तरह से ये बना लिया है। और इसकी मैं क्या करता हूँ, स्ट्रोक को कम या ज़्यादा करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि ये इस तरह से बन रहा है, और अगर मैं इसको ज़्यादा करता जाऊँ, तो अभी आप देखेंगे कि इस तरह से ये एनिमेट हो रहा है, और ज़्यादा करता जाऊँगा तो इस तरह से ये बनाता जाएगा। तो इस तरह से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। इसमें एक दो चीज़ें और हैं बताने के लिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको फ़िलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से आकर के मैं एक एलिप्स ले लेता हूँ। इसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है कि जब भी हम लोग कोई भी शेप हो, उसको बड़े ईजिली कोई ना कोई रूप दे देते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर एलिप्स ले लेता हूँ और यहाँ से आकर के रोटेट टूल लेता हूँ, और अभी ये जो सेंटर पॉइंट है इसको मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ लाइक दिस। तो अभी देखो, अभी इस तरह से ये मूव हो रहा है, अभी फ्रीली मूव हो रहा है। अभी आपको अगर बगल में दिख रहा होगा कि ये शो कर रहा है, अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो वहाँ पर ये डिग्री शो कर रहा है कि कितने डिग्री ये रोटेट हो रहा है। और अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँ और अभी अगर मैं करूँ, तो अभी आप देख रहे होंगे कि 45 डिग्री पर फिक्स हो चुका है। अगर मैं और आगे लाऊँ तो ये 45 प्लस ऐड कर दिया उसमें, 90 हो गया। सेम इसी तरह से अगर मैं आगे करता जाऊं तो ये 45 डिग्री रोटेट हो रहा है शिफ्ट के साथ। और अगर मैं देखो इधर ले आता हूं और साथ ही साथ मैं अल्ट दबा देता हूं, अल्ट दबाने के बाद अभी आप देखेंगे इसकी यहां पर ये कॉपी भी आ चुकी है। और अगर सेम वही हम लोग स्टेप रिपीट करना चाहते हैं, तो मैं कंट्रोल डी करता जाऊँगा, ये स्टेप रिपीट करता जाएगा। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये शेप हम लोगों ने बड़ी ही इजीली ड्रॉ कर ली है। अब अगर आप इसमें कलर वगैरह फिल करना चाहते हैं तो वो भी फिल कर सकते हैं। अगर मैं अभी पूरा सेलेक्ट करके और इसमें अगर मैं कोई कलर फिल कर देता हूँ यहाँ से आकर के लाइक, मैं यही कलर ले लेता हूँ, ओके। तो अभी कलर तो फिल हो चुका है, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि शेप कितनी बेकार लग रही है। एक्चुअली हम लोग एक्सपेक्ट कुछ कर रहे थे और ये दिख कैसे रही है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके दिखाऊं, तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ये कुछ इस तरह से दिखेगी। तो इस तरह से करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसकी अपोसिटी यहाँ से आकर के और चेंज कर दें लाइक, मैं
माउस का जो व्हील है उससे इस कैपेसिटी को चेंज कर रहा हूँ, तो अभी इस तरह से आ रहा है। और भी शायद स्क्रीन में ये बहुत अच्छा होता है, स्क्रीन ही में ले लेता हूँ, और अभी आप देखेंगे तो इस तरह से ये अभी कुछ आ रहा है सही से। और अगर इसकी हम लोग आउटलाइन नन कर देंगे तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा सही शेप लग रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप कलर अलग फिल करें और अंदर आप कलर फिल करें अलग, और इसमें अंदर अलग आप फिल करें कलर, या फिर आप इन सब में भी अलग अलग फिल करना चाहते हैं, वैसे ज़्यादा कलर ना दे तो ही अच्छा है। और कोई भी चूज करें आप स्क्रीन कर दें तो वो सिमिलर कलर भी ले आता है और आपका फ्लावर भी बड़ी इजीली तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई अलग कलर फिल करना, तो इसके लिए आप पूरी शेप को सिलेक्ट करें और सबसे पहले आप आए पाथ फाइंडर में। पाथ फाइंडर में आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से यूज करते हैं। पाथ फाइंडर में आपको कर देना है, यहाँ पर आपको मिल रहा है डिवाइड, तो आपको डिवाइड कर देना है। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे ये एक एक पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं अभी दिखाऊं तो ये अलग हो चुकी है, अभी आपको दिख नहीं रहे होगा, एक्चुअली ये ग्रुप में है। तो ऑब्जेक्ट में आकर के मैं अनग्रुप कर देता हूँ। अनग्रुप करने के बाद अभी अगर मैं इसको मूव करूँ तो अभी आप देखेंगे कि एक एक पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। अब आप कलर फिल करना चाहें तो आप कलर बड़ी इजीली फिल कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं और अभी अगर मैं इसमें कलर फिल करता हूं, लाइक मैं इन सबको ऊपर वाली शेप है जो, इन सबको सेलेक्ट कर रहा हूं और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओहो, मैं एक्चुअली कंट्रोल जेड कर देता हूँ, फिर से दोबारा सेलेक्ट करते हैं इसको इसको। ओके, और अभी मैं इसमें कोई और कलर फिल कर देता हूँ, लाइक यहाँ से यही वाला कलर फिल कर लेते हैं। ओके, और अगर आप अलग अलग बिल्कुल अलग फिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल अलग भी फिल कर सकते हैं, लाइक यहाँ से ये कलर और यहाँ से। वैसे इस तरह से आप कलर कभी फिल ना करें क्योंकि ये बहुत ही बेकार लगने लगता है। और इसको देखो, अभी तो मैं इस तरह से फिल कर रहा हूँ, लेकिन एक ऑप्शन और है जिससे आप फिल कर सकते हैं बड़ी इजीली। इन सब में आपको बार बार सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। वो कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बताया नहीं है टूल्स, तो जब मैं आपको बताऊंगा, लाइफ पेंट बकेट से आप बड़ी ईजिली फिल कर सकते हैं। तो इसमें आप अपने हिसाब से कलर फिल करिए। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और हम लोग कोई और शेप बनाते हैं। लाइक मैं यहाँ से आकर के फिर से इलिप्स ले लेता हूँ, इलिप्स ले करके और इस तरह से बनाते हैं। और इसी को अभी हम लोग क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा कि सेंटर पॉइंट है वो, एक्चुअली हम लोग पहले रोटेट टूल लेते हैं, अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर है। अभी मैं इसको कहाँ पर, यहाँ पर आकर के और क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अभी हम लोग इसको रोटेट करेंगे, लाइक अभी देख रहे होंगे इस तरह से ये रोटेट हो रहा है। और अभी मैं इधर लाऊंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और शिफ्ट के साथ मैं अगर इसको करूँ तो ये 180 डिग्री पर आ चुका है। और साथ ही साथ मैं अल्ट भी दबा लेता हूँ। अल्ट दबाने के बाद अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये शेप आ चुकी है। और अभी अगर मैं इसको दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें ये पार्ट चाहिए अंदर का। तो इसको आप या तो पाथफाइंडर से कर लें या आप शेप बिल्डर से भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर होगा शेप बिल्डर टूल, तो इससे भी आप कर सकते हैं। अगर मैं अल्ट के साथ करूं तो ये माइनस कर देगा, इसको भी ये माइनस कर देगा। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये शेप आ चुकी है। फिर से रोटेट टूल लेते हैं, तो फिर से मैं यही करता हूं। और अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, अल्ट प्रेस करके, और अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर ये बॉक्स भी मिल रहा है। अब इस डायलॉग बॉक्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इसका एंगल दे करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एंगल पर कर रहे थे, लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक एंगल पर करना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई वैल्यू ऐसी ले लेते हैं जो कि इसके इक्वलवेंट हो, लाइक 18 × 36, मतलब 360 से डिवाइड हो, तो 18 ही ले लेते हैं, 18 से डिवाइड हो जाएगा। और प्रीव्यू आप यहाँ पर करेंगे तो प्रीव्यू आपको शो करेगा कि किस तरह से होने वाला है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और अभी प्रीव्यू ऑन करता हूँ, एक्चुअली ये शो क्यों नहीं कर रहा है, 18 डिग्री हम लोगों ने लिया है। और अभी कॉपी करते हैं, 8 है फिन, ये है, ये सेफ है। एक्चुअली कंट्रोल जेड करते हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस पर दोबारा से करते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ चुका था। और यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं और साथ ही साथ अल्ट भी दबाएंगे, ठीक है। तो अल्ट दबाने के बाद अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये 18 डिग्री मूव हुई है। अगर मैं प्रीव्यू ऑफ कर दूँ तो अभी आपको इस तरह से दिख रहा होगा, और अगर मैं क्लिक करके अभी आपको प्रीव्यू दिखाऊं तो ये इस तरह से 18 डिग्री मूव होगा। और अगर मैं इसका कॉपी पर क्लिक कर देता हूँ तो ये इसकी एक कॉपी कर देगा, और हम लोग इसको फिर से कॉपी कॉपी करते हैं। तो कंट्रोल डी करता हूँ, स्टेप रिपीट होगी,
और अभी आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर इस शेप को बना दिया है। और अगर इसको मैं सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट करने के बाद अभी आप देख रहे होंगे कि इस तरह से ये शेप ड्रॉ हो चुकी है। अब इसमें आप अगर कोई कलर वगैरह भी फिल करना चाहें तो वो भी फिल कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ, ओके। और इसमें मैं अपेसिटी फिर से हम लोग स्क्रीन करेंगे, लाइट एंड स्क्रीन, या तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये फ्लावर भी हम लोगों ने बना लिया। इसमें भी अगर आप कोई अलग कलर फिल करना चाहते हैं, सेम वही प्रोसेस है। आप सिलेक्ट करिए सबको और यहाँ पर आइए पाथफाइंडर में, पाथफाइंडर में आप डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद आप इजुअली इंडिविजुअली इसमें कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में अनग्रुप करिए और ये इंडिविजुअली आ चुके हैं, तो इसमें आप अगर चाहें तो फिल भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं आप, अगर कोई भी शेप से ले लें। लाइक अगर मैं यहाँ से आकर के कुछ भी ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइक रेक्टेंगली हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और एक हम लोग यहाँ से आकर के पॉलीगन ले लेते हैं, और एक्चुअली यहाँ पर हम पहले क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि हमें 3 चाहिए और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर 3 आ चुके हैं और अभी इसको मैं इधर रख लेता हूँ, ठीक है। दोनों को पकड़ करके और सेंटर कर देंगे और इसको मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यहाँ पहले मैं एक ऐड कर लेता हूँ, पेन टूल से मिडिल में ऐड करेंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे। क्लिक करेंगे ये माइनस हो जाएगा, इसको भी माइनस कर देंगे। और इसको अगर हम लोग ग्रुप करके और रोटेट करें, कंट्रोल जी, और फिर से यहाँ पर आकर के मैं क्लिक करता हूँ, ये आ चुका है, और कंट्रोल डी करेंगे तो इस तरह से ये शेप बन चुकी है। आप कोई भी शेप ले लें तो ये बड़ी इजीली उसको कुछ भी कुछ बना देता है। और एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, लाइक अगर मैंने कुछ ड्रॉ किया है, वैसे मैं यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ किया है, ठीक है। और अभी इलिप्स के हमें बाहर चाहिए, तो बाहर मान के चलिए मुझे स्टार चाहिए। अब स्टार को हम लोग किस तरह से करेंगे, लाइक मैं स्टार नहीं, हम लोग हाँ स्टार ही, चलो स्टार ले लेते हैं। और अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँ और इन दोनों को मैं पकड़ करके यहाँ से मैं सेंटर कर देता हूँ, और अभी अगर इसकी अगर हम लोग कॉपी चाहते हैं तो क्या करेंगे, सेम यहाँ से आ करके रोटेट टूल लेंगे और इसका सेंटर पॉइंट हम लोग पकड़ करके मूव करके इधर लाते हैं। यहाँ पर सेंटर आ चुका है और यहाँ पर मैं अल्ट भी दबाऊंगा ताकि हमें ऑप्शन मिल जाए, और मैं यहाँ पर रिलीज कर देता हूँ, ओके। और अल्ट के साथ मैंने करा और यहाँ पर ये प्रीव्यू दिखा रहा है, प्रीव्यू मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर ये इस तरह से है और हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो मैं इसको देख लेता हूँ, लाइक कम करके प्रीव्यू पहले ऑन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं 0 दे देता हूँ और बाहर क्लिक करूँगा एक बार, ओहो प्रीव्यू पर ऑन कर देंगे। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ पर हम लोगों को इतना चाहिए, ठीक है, 16 16 16। आप ऐसी वैल्यू लें जो कि डिवाइड हो, लाइक मैं ले लेता हूँ 18 36, 18 ले लेता हूँ, 18 से काम हो जाएगा। और मैं कॉपी कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये आ चुका है। और सेम हम लोग कंट्रोल डी करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इतने इजीली हम लोगों ने ये शेप ड्रॉ कर ली। तो इस तरह से आप बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं। लाइक आप यहाँ पर सन का इफेक्ट भी दे सकते थे, यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ करके भी आप बना सकते थे, तो सन का इफेक्ट इस तरह से आप दे सकते थे। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की ओर, जो कि है हमारा रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल क्या करता है, शेप को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज होता है। लाइक अगर मैं आपको दिखा दूँ, मैंने यहाँ पर 2 शेप्स लुई हुई हैं, एक ये शेप है और एक ये शेप है। तो मैं इस शेप्स को दिखाता हूँ पहले आपको रिफ्लेक्ट करके। अभी आप इसकी, मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, इसको मैं अल्ट के साथ करूँगा, यहाँ पर आप कॉपी भी इसकी देख पाएँ। और इसको मैं अभी रिफ्लेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर आ करके, और रिफ्लेक्ट लेता हूँ। रिफ्लेक्ट में भी आप सेम आपको यहाँ पर पॉइंट मिल जाता है, इसको आप जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वहीं पर ये मूव करेगा। लाइक मैं यहाँ पर क्लिक करके और अभी मैं इसको पकड़ के इस तरह से रिफ्लेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये इमेज इस तरह से थी, लेकिन हम लोगों ने रिफ्लेक्ट करके इस तरह से कर दिया है, लेफ्ट का राइट हो चुका है और राइट का लेफ्ट हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं ये दोनों इमेज, ये ओरिजिनल है और ये हम लोगों ने रिफ्लेक्ट करी है। तो रिफ्लेक्ट करके भी आप इस तरह से कर सकते हैं। और अगर हम लोग फिर से चलते हैं नेक्स्ट पर, इसको दिखाता हूँ, ये मैंने ज़्यादा अच्छे से तो नहीं बनाया लेकिन फिर भी बनाया है इसमें, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इसमें नेगेटिव शेप्स भी इंक्लूड करी है। तो इसको मैं ले लेता हूँ और सेम अगर हम लोग यहाँ से आते हैं
और ये को रिफ्लेक्ट टूल को ले लेते हैं, और मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, और अभी मैं इसको रिफ्लेक्ट करता हूँ पकड़ करके, और यहाँ से मैं इस तरह से रिफ्लेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं लीप कर दूंगा। एक्चुअली हम लोगों को कॉपी चाहिए, तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ और फिर से मैं मूव करूँगा, लेकिन अब की बार अल्ट भी प्रेस कर लूँगा, साथ ही साथ मैं अल्ट और अभी मैं रिलीज कर देता हूँ। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये शेप ड्रॉ हो चुकी है। थोड़ा सा इसको मैं पीछे ले आता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने शेप बड़ी इजीली ड्रॉ कर ली। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हार्ट बना हुआ है, और यहाँ पर आपको ये हैंड मिल रहा होगा। तो एक शेप शेप हम लोगों ने एक ही बनाई हुई है, और उससे दूसरी शेप निकल कर आ रही है, तो इसको निगेटिव कहते हैं, और या फिर आप एम्प्टी स्पेस भी कह लेते हैं। तो ये एम्प्टी स्पेस का यूज करा है। तो इस तरह से आप शेप्स बना सकते हैं, और ये मैं आपको दे दूंगा, तो ये सब आप ट्राई करके देखिएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, साइनिंग ऑफ।